राम राम सगला ने स्वागत आज आपने न्यू ब्लॉग में। आज आप आए कच्ची घाणी में तिल तेर निकलवाने वास्ते। तो लाइव देखो मैं दिखाऊं, तो देखो तेल निकल रहे ना। हाँ है कच्ची घाणी तिल तेल निकालने सिस्टम। इनमें तिल में तेल जी मतलब एक किलो में लगभग 400 ग्राम निकला है। और सरसों को ये बतायो लगभग 300 ग्राम सरसों को निकले किले के ले रहे। और देखो अंदर कौसे चाल रहे निकलने को। इन कच्ची घाणी मतलब बोला ही कोई प्रकार की हो मतलब आपने तेल और हीट को नहीं है मतलब गर्म को नहीं है। आज की है वाह खड़ है आपने गाया ने जेड़ा काम आ जाए आदि कोई टाइप की खड़ है। थोड़ी बहुत तेल की भी मात्रा रहे हुए तो आप पशु के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहे। और तेल है जो आपको आपने खाने का काम ले लिया तो वो देखो चारों तरफ गिर रहे हो बाद में ठा जाए और देखो नीचे गिर रहे ना जिन्हें तेल है ये चालियाँ उचाल दे। कोई प्रकार के फिल्टर की वगैरह और कोई रिफाइंड करने की कोई बिल्कुल ज़रूरत को नहीं रहे। तो कच्ची घाणी का जो तेल है आपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहे। आजकल जितनी भी बीमारियां चल रही है सब में यह समझ लियो कि ज़्यादातर बीमारियां भी रिफाइंड तेल की वजह में चल रही है। आप अगर कच्ची घाणी हो तेल जिया जिसका मौसम है तिल निकले भी टाइम तिल लेर कड़वार खावा तो बढ़िया रहे। अगर जिया सरसों निकले भी टाइम सरसों का तेल खावा बढ़िया रहे। और अट्ठा अपने तेल जिया मतलब काटो भी जिया मतलब मिल रहा है। और देखो तो भी आप लेस कहाँ एकदम बढ़िया शुद्ध अच्छा जिया तेल निकाले तो तैयार रखे सरसों को भी मिले तिलों को मिले तिल भी जिया खुद रखे तो आप तिलों को मोल लेर भी जहाँ सामने करने खड़े रहते तेल कटवार भी ले इसको मार्केट वही है थे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है। वो कच्ची घाणी में तेल निकलवा रही खाओ तो थारे बहुत सी बीमारियां में मतलब ते बच जैसे हो। और अगर थारे कोई शरीर में कोई समस्या भी अगर है तो तेल खाते हो तो बिना दवाई सही भी हो जैसे क्या। वो कच्ची घाणी में जो तेल है आपने शरीर की जिया मतलब अंदर वो मतलब एक प्रकार की जी चिकनाइट आपने शरीर ने चीज़ है भाई तेल भी मिला रिफाइंड तेल आपने कुछ कौन मिला वो तो जी मतलब अंदर मोम जमे जी जम जाए तो वो आज हटाया आज ना था लाइव दिखा दे वहाँ तेल यह निकले कच्ची घाणी में। तो देखो तेल आप निकाले बाद में बर्नी में डाला 31 किलो आप तेल ले गया अभी मैं 12 किलो साढ़ी लगभग 12.5 किलो तेल निकले 9 किलो तो ये बर्नी में आ गया बाकी एक दूसरे ठाम में कर लियो। राम राम सारा ने बाजी की रोटी बनाओ और तू ऊपर अभी क्या करियो बताओ। यहाँ मंत्रण सो दे लिए जना बाजी की रोटी अंदर चिपकी तो नहीं आई तो रात बाजी वाटो ले लियो नमक देर ना सेंदो नमक डालियो है ना माँ आटे के माँ सो पूरा मिला लियो मट्टी के परात में आटो सोरो बो तो उसने जा बाजरी आटो खास तौर बाजरी वालों ना आज आप तिल का तेल को बाजरी को गेल जिगे तिल को तेल का अलर बाजरी रोटी को चोर मचोर सिया बहुत आन दिखावा। आजकल कोई खावेगो नहीं तिलों को तेल सब्जी में भी कौन खावे चोरमो तो चोरनो अलग बात है। पुराने टाइम में तो पुरानी लोग पूर्वज मार दादी जी और बताया करता गेहूँ जिया मतलब ज़्यादा मानता है सर्दियों में तो खास तौर तिल को चूरमो और तिल का तेल को शीरो भी बनाओ और खाऊँ था
शक्कर की थाने मैं बात बता रही हूँ। एक आपने सरदार शहर की शक्कर के बहुत ही आज भी फेमस है, बी टाइम भी मेरे बचपन में बी टाइम तो और ही बढ़िया क्वालिटी का थी। तो नाने जानता नहीं, हमेशा हमारे नानी जी मामी जी शक्कर डाल रोटी के ऊपर कने चूरमो चूर दे, बड़ो स्वाद लगता। और अट्ठा आता जना मैं जानता को नहीं कि भाई अट्ठा आपने पीछे शक्कर मिले को नहीं, मैं तो छोटा जना मैं फरमाइश करता भाई लियाओ मान तो शक्कर को चूरमो चूर दे न बो स्वाद को नहीं आऊँ। तो जना एक बात मन बताया आपने सरदार शहर की जी शक्कर है आस पास में वहाँ बैठे बढ़िया मिले भी वजह बैठे बहुत स्वाद है। आ शक्कर तो भी यहाँ पे 12 का जगह बेचना आयड है बिना सोडा की शक्कर लेड़ी है दार शहर वाली चीज शक्कर जी के नन्हे रम जो स्वाद वो बचपन को याद है विशो टेस्ट तो इनको नहीं बहुत टेस्ट तो वही हो। आज के चूल्हे के ऊपर आपने साइड में ले रहे जगह आया बट अब घी पड़ी है तो घी जी हाँ टसा को नहीं तब जा रोटी बने जिंजो बटर पीछे आप खड़ी कर दे। और इन्हें जी हाँ बता दूँ आज की बनाई डी है बाउंड्री सी इन्हें बोला है बेवनी एक माँ राख और आ जाए खीरा लकड़ी जो भी है साइड में जी मतलब आए लकड़ी छाना अब बेवनी बोला है बेवनी कमा साइड में एक कहानियाँ पढ़िया रहे आपने भूंगली बावली चिंपी और ऊपर रोटी रखने के बाद में वो आप एक पलटो मार देवा भी के बाद में दूसरी रोटी आंता ही बा उतार नीचे खीरा साइड में है बेवनी में चूल्हा आगे खड़ी हो जावे और एक अजीवा तो ऊपर सिकबो का थे लोग भी बाजरी की रोटी माटी के परात में बनाओगे कमेंट कर बताया आपने। अब की बार बारिश अच्छी हुई भी वजह बारिश नहीं वजना तो बम कुवाड़ो पानी देना पड़े बारिश होगी जना बम आपने पालर पानी में तिल पकेट है और जहर तो आप कोई बम कुछ डाला ही को नहीं तो बा तिलो बढ़िया तेल निकलवाए घड़ी हूँ देखो तेल लगातार आज को बोलो दो रोटी हम सुरोगे ये तो मकरी से कीड़ी है गेवा की रोटी जिया थोड़ी चिकना में कम रह जावे तो बा अपने पेट दुख सके और गड़बड़ कर सके बाज की कौन करे ने हां थोड़ी कच्ची रह जाए तो की को करे आई तो गुणा ही चीज़ का थोड़ी काची रह जाए तो भी गड़बड़ कौन करे अकरी हुए तो और ही बढ़िया है मन तो थोड़ी ही टाइप की अकरी अकरी हो रही अब बढ़िया लगे शक्कर गाट लिया चूर में इलांग हो तेल है खुश हुआ वह तिलांग ही सी है गर्मा गर्म स्वाद लग गए गर्मा गर्म और सर्दी का मौसम में और आपने तिलांग तेल को चूरमा और तिलांग तेल को बाजरी को चूरमा और सब्जी अपना देसी गर्मा गर्म भोजन थे भी अगर तिलांग तेल को चूरमा अगर खाओ बना रहे घर में तो बताया और ये टेस्ट थाने भी लग गया वो भी बताया आज को वो लोग थाने क्या लगे कमेंट कर बताया और वीडियो ना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिया बहुत बहुत धन्यवाद।